दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज एक खास जगह जाने वाला हूँ। आप सबको पता होगा शायद, वियतनाम में बहुत सारे शहरों में समुद्र के किनारे सी बीच मिल जाते हैं, समुद्र के पास है। लेकिन एक शहर है हानोई, जो कैपिटल सिटी है वियतनाम में, वहाँ समुद्र के किनारे नहीं है। इसलिए वो लोगों ने एक फेक बीच बनाया हुआ है वहाँ, एक फेक बीच ओशन पार्क के नाम से। तो आज वही जाएंगे और वो रिव्यू करेंगे आपको। तो देखते हैं वीडियो। Where are you going? We're going to beach. Beach? Let's see. तो दोस्तों, हमने घर से निकल गया और अभी जाएंगे ओशन पार्क में। 40 मिनट का रास्ता है यहाँ घर से। और ये देखो, ये हम आ गए हैं, वेलकम टू हनोई ओशन पार्क। आज बहुत धूप है यहाँ, सब काले हो जाएंगे मेरी तरह। Guys, everyone, now we arrive in this. What is this? This is a water park. Look, this is called Welcome Hanoi Ocean Park. Ocean park. It's an ocean park. It's not an ocean, it's an ocean park, right? अभी हम वेट करेंगे टिकट खरीदने के लिए। तो यहाँ भी बच्चों की हाइट के हिसाब से टिकट का प्राइस बनता है, और छोटे बच्चों के लिए कम रेट और थोड़ी बड़े बच्चों के लिए अलग रेट है। Soon I'm going to be bigger. Soon you will be bigger, are you sure? Yes, I'm sure. Where are we? You know where we? We are in this ocean park. You see, it's like ocean there. तो हमने अभी टिकट खरीद ली और अभी जाएंगे पार्क के अंदर। सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और टिकट खरीदने के लिए बहुत वेट करना पड़ा यहाँ। ये देखो, अशोक को ब्लॉगिंग का शौक है। अभी वो ज्यादा बोल नहीं सकते, फिर भी ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो। Finally, we can inside. We all can see. They have life jackets here. अभी हम पार्क, ओशन पार्क के अंदर आ गया है और ये देखो, लाइफ जैकेट है यहाँ पे। और हम चेंजिंग रूम ढूंढने के लिए जाएंगे अभी और चेंज कर लेंगे। और तो अभी हम बीच में हैं दोस्तों। ये देखो, ये ओशन पार्क बीच है, असली बीच की तरह बना हुआ है। ये देखो, ये असली बीच की तरह ही है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये देखो, लहरें, समुद्र की तरह लहरें भी हैं। और ये यहाँ ऊपर रेस्टोरेंट और सब है। तो दोस्तों, वियतनाम में सब चीज़ें मुमकिन हैं। तो हनोई में रहने वालों के लिए दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है समुंदर के किनारे के लिए। वो यही आ सकते हैं और समुंदर के किनारे एंजॉय कर सकते हैं।
ये देखो गौतम, गौतम को बहुत मजा आता है, गौतम आर्यन और अशोक को। और एक खास बात है कि असली समुंदर से ये ज़्यादा सेफ है। असली समुंदर में हम जाते हैं लेकिन बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत तेज लहरें होते हैं और सेफ नहीं होते बिल्कुल। लेकिन ये लहरें भी है, समुंदर की तरह भी है और सेफ भी है, तो असली समुंदर से जाने से बेहतर है ये। Where are we today? Water park in Hanoi, Vietnam. Water park in Hanoi, Vietnam? This is a fake beach, right? ये मेरा साला है और बहन और उनके बच्चे, ये फैमिली है। और ये देखो अशोक, अशोक अभी खा वॉश पे जाएंगे। ये खा वॉश नहीं, चिल्ड्रन वॉश है, और उसमें मैं भी गया था। ये देखो अभी दोनों जाएंगे, दोनों स्टक हो गया बीच में। ये देखो ये क्रोकोडाइल की मुंह के अंदर आ गया। ये देखो मैसलाइट बना हुआ है क्रोकोडाइल से, सब मस्त चीज से बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, और बड़े बच्चे सब खेल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ कैमरा सेव करने के लिए, क्योंकि मुझे समुंदर के डीप तक जाना है और वहाँ एंजॉय करना है। इसलिए मैं कैमरा बंद करके अभी जा रहा हूँ कैमरा सेफ्टी लॉकर में डाल के और एंजॉय करने। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आ गया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग से। बाय।